है कि अभी मार्केट में जो गिरावट आई है, ये गिरावट एक बाइंग का मौका है या ये गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है? नमस्कार मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि गिरावट थोड़ी बढ़ सकती है। आई थिंक नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है 45,500 के करीब, तो वहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा लॉन्ग इन्वेस्टर्स के लिए। अभी अगर देखें शॉर्ट टर्म में तो कोई की ड्राइवर नहीं है गोल्ड के लिए, तो उसकी वजह से नियर टर्म पुल बैक या प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन जरूर से होगा। और दूसरा अगर देखें तो गोल्ड अभी अपना सेफ हेवन एसेट है, वो अपील लूज कर रहा है, क्योंकि हमने देखा कल भी डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा था, आज भी वीक हो रहा है, और उसके साथ साथ गोल्ड भी वीक होता है, यूजुअली वो लोग अलग चलते हैं। तो आई थिंक उसकी वजह से भी अगर हम देखें तो इकोनॉमी जो रीओपन हो रही है, थोड़ा ऑप्टिमिज्म आया, तो उसकी वजह से गोल्ड में थोड़ा पुल बैक हो रहा है। तो आई थिंक MCX में एक बार 45,500 के करीब आता है तो इट वुड बी गुड अपॉर्चुनिटी, वहां से एक बार लॉन्ग कर सकते हैं 46,000 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 45,300 का। और अगर इंट्राडे अभी का मुझे देखो तो मुझे लग रहा है आज के दिन थोड़ा और गिरावट आनी चाहिए, तो 46,100 अगर इंट्राडे ट्रेड करना है तो वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं 46,150 या 200 के स्टॉप लॉस के लिए, और टारगेट रखिएगा 45,750 का। अभी के नेचुरल गैस का मार्केट अभी क्या आपको ट्रेड के लिए तैयार दिख रहा है क्या? क्या अभी ट्रेड करना नेचुरल गैस में NG में ठीक रहेगा? जी जरूर मृत्युंजय जी, देखिए बायर्स वापस नेचुरल गैस में आ गए रिसेंट स्लम के बाद। इनफैक्ट अगर ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो 6.4% बढ़ चुका है, मतलब 24,000 हो चुका है। तो आई थिंक ये पॉजिटिव साइन है, और फंडामेंटल भी देखें तो फॉलिंग प्रोडक्शन की वजह से भी प्राइसेस में अपसाइड दिख रही है। आई थिंक वीकली चार्ट में भी अगर देखें तो एक पैटर्न मार्जिनल हायर लो बना रहा है सिंस लास्ट मार्च, जो सजेस्ट कर रहा है कि एक बेस फॉर्म हो चुका है MCX में 120 के करीब। आई थिंक इंट्राडे 147.30 के करीब आता है तो एक बार बाय कर सकते हैं 150 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 145 का, और फिर किसी को पोजिशनल भी लेना हो तो 145 से 142 एक अच्छी रेंज है बाय करने के लिए, 152-153 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 135 का। ओके मैं भाविक जी, लेड में शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए या लॉन्ग पोजीशन? जी अगले मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मैं आई थिंक 30 जून का ही मानूंगा, क्योंकि अभी यही नेक्स्ट एक्टिव है। जून में अगर देखें कॉन्ट्रैक्ट में तो 134 से 130 के बीच में ही लेड कब से चल रहा है। आई थिंक लास्ट 10-12 दिन में देखें तो एक 4 रुपए के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो ये रेंज बाउंड ट्रेड है, तो 134 के ऊपर जाता है तो बाय कीजिए, या 130 के नीचे जाता है तो ही शॉर्ट कीजिए, वरना अभी सीमित दायरे में है तो अभी कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं बन रहा है, तो अब एक बार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की वेट कीजिए। अगर 134 के ऊपर जाता है तो 136 से टारगेट के लिए बाय कीजिए 133 का स्टॉप लॉस, और 130 के नीचे जाता है तो 128-127 का टारगेट रखिए और 131 का स्टॉप लॉस रखिए। जानना चाहता हूं अभी हमने मेटल की बात की, मेटल में जिंक का काउंटर अभी आपको कैसा लग रहा है? जिंक मृत्युंजय देखिए जिंक में भी अभी अगर बेस मेटल्स पूरे की बात करो तो अभी इतना मुझ ज्यादा डायरेक्शनल ट्रेड नहीं हुआ है, क्योंकि पूरा बेस मेटल एक क्रॉस रोड पे खड़ा है, जहाँ पे एक पॉजिटिव वो है कि रीओपनिंग जो हो रहा है इकोनॉमिक, तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ने की आशंका है, और दूसरी तरफ यूएस चाइना का जो टेंशन है तो उसकी वजह से थोड़ा नेगेटिव न्यूज है। जिंक 154 से 159 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। आई थिंक लेड और जिंक के बीच में मुझे जिंक ज्यादा प्रेफर लग रहा है, तो जिंक अगर 154 के करीब आता है तो एक बार मैं लॉन्ग करने की रिकमेंड करूंगा 160 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 153 से 152.50 का। ठीक है, चांदी में कौन से रेट के ऊपर बाय करना चाहिए और बाय करना चाहिए? अच्छा। नहीं करना चाहिए तो सेल क्या रेट पे करना चाहिए चांदी? ठीक है, चांदी में अभी क्या करना चाहिए बताइए भाविक। हाँ, किस रेट पर बाय करना चाहिए अगर चांदी में बाइंग करनी हो, खरीदना हो तो क्या लेवल ठीक रहेगा बाइंग का? देखिए इंट्राडे अगर एक दो दिन की हम बात करें तो चांदी थोड़ा ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है सोने के करीब, तो आई थिंक सोने में मेरा नेगेटिव व्यू है और चांदी में थोड़ा पॉजिटिव है। अभी 47,530-520 चल रहा है, तो आई थिंक 47,500 अभी से ही आप एक बार बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 47,280 का, और टारगेट रख सकते हैं 47,800 का। ज्यादा मुझे अपसाइड नहीं लग रहा है तो 47,800 के करीब आता है तो इंट्राडे आप निकल जाइए, पोजिशनल मत रखिए, और 6 स्टॉप लॉस से आज इंट्राडे ट्रेड कीजिए।
देखिए गोल्ड मुझे थोड़ा वीक लग रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है चांदी से, और आज अगर देखें तो कोई ज्यादा डेटा भी नहीं है तो मुझे लग नहीं रहा कि ज्यादा अपसाइड हो सकता है। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स भी देखें तो वो वीक हो रहा है, तो एक बार गोल्ड 46,050 से 46,080 के करीब आता है तो वहां से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 46,140 या 46,150 के स्टॉप लॉस के लिए, और टारगेट रख सकते हैं 46,820 से 46,800 का, 45,800 सॉरी।